नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आसनसोल के नियामतपुर नून नगर स्थित नियामतपुर रोशन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज केंद्र में प्रशिक्षण ले रही मेहंदी, टेलरिंग, नर्सिंग और ब्यूटिशियन की प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को प्रमाण पत्र दिया गया। मालूम हो कि नियामतपुर रोशन एजुकेशन की सुल्ताना बेगम लगभग 20 वर्षों से युवतियों और महिलाओं को स्वरोजगार हेतु हुनरमंद कर रही हैं। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई युवतियां और महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वरोजगार कर रही है, घर परिवार चला रही है। करवाया जाता है ब्यूटिशियन के हवाले से, मेहंदी मेहंदी ट्रेनिंग के हवाले से, टेलरिंग के हवाले से और भी बहुत सारे ऐसा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है नर्सिंग के हवाले से। तो जो बच्ची कामयाब हो जाती है, अपनी कोर्स को कंप्लीट कर लेती है और उनके शहर हाजी साहब है, मैं उन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो जो काम को अंजाम दे रही है यकीनन वो काबिले तारीफ है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा सोशल वर्क करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप जिस काम को कर रही हैं, इससे जो बच्चियां यहां पे आके अपने काम को सीख रही हैं, चाहे वो मेहंदी लगाना हो या टेलरिंग हो या नर्सिंग हो, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पांव पे खड़ी हो जाती है और वो सेल्फ डिफेंस मत अपना वो कर सकती है, वो किसी का मोहताज नहीं रहती है। हमारे दरमियान कुछ गेस्ट को बुलाया गया है, टीएमसी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, वो स्टेज पे आए। साथ साथ उसके बाद हमारे हर दिल की सफाई किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान। जो आज ये इधर जो इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मुझे इनवाइट किया, सबसे फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जहांगीर भाई का, जिसका साथ मेरा शुरुआत से, मैं जब से टीएमसी पार्टी में हूँ, दल में हूँ, महिला संगठन में हूँ, तब से उन्होंने मेरा दोस्त का तरह, एक भाई का तरह और मेरा साथ दिया। थोड़ा टूट के हिंदी बोल रही हूँ, आराम से बोलिए। जो है साजन भाई, वो मेरा जगह जो जिसे मैं साफ करिया है, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ का मैं बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, सब कुछ वही का हूँ। वहाँ से बिलोंग करती है साजन भाई, उसका भी हर सपोर्ट मिलता है मुझे। तो ऐसे तरह सबका मैं शुक्रिया अदा करना छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं वो लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सुन दिया है मुझे। तो मैं एक बात नाम ऊंचा किया, रेसलिंग में एक सिल्वर जीता है, वो भी एक लेडीज है, देश का नाम ऊंचा किया। फिर जो टेबल टेनिस है, इस बार फर्स्ट तीन बार खेल रहे हैं। तीन बार जो होता है जो गेम में, तीन बार जो आता है ऊपर, तो देश का नाम ऊंचा किया। इसका पहले तीन फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाता था टेबल टेनिस में, क्योंकि इस बार एक लेडीज ने तीन बार किया है, बार तीन राउंड खेला है, ये भी देश का नाम रोशन किया। और भी आप देख सकते हैं, आज देखिए जो पैडेड होता है लेडीज लोग कर रही है, तो जो मोटरसाइकिल में जो होता है, मोटरसाइकिल में जो करतूत होता है खेला, वो भी लेडीज लोग कर रही है। आज जो सब इंस्पेक्टर है सुजाता गोस्वामी, उसका नेतृत्व में आप सब याद रखें कि आप लोग एक उम्मीद वाली बहन है। बी और डी, बी और डी का बीच में सी होता है,
बल्ब और मेल के बीच में सी यानी चॉइस होता है। अब आपको चॉइस करना है कि बल्ब और मेल के बीच में जो सी है वो चॉइस क्या करना है। आप जो सोचते हैं अल्लाह भगवान आपको वही बनाता है। आप ये ना सोचें कि आपका कोई गार्जियन नहीं है, आपका कोई सर नहीं, कोई साया नहीं है तो आप बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे जाकिर साहब यहाँ पहुंचे हैं यहाँ, तो पहले इन्होंने घर से सोचे कि हमें यहाँ पहुंचना है तो वो यहाँ पहुंच गए। हम लोगों ने ईसागढ़ से सोचे कि इस प्रोग्राम में आना है, कॉल है कि जो गार्जियन अपनी बेटी को अच्छे से परवरिश दे करके उसके शादी करके वो विदा हो जाती है वो जन्नत का हकदार है। और जिस घर में बेटी होती है और उस घर में उसे अगर तकलीफ दिया जाता है, ये या वो बेटी बहन के शक्ल में हो, बेटी के शक्ल में हो या बहू की शक्ल में हो, उसे अगर तकलीफ दिया जाता है और टॉर्चर किया जाता है तो उस घर में अल्लाह के लालच होते हैं। ये भी आप मान लो। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जिस घर में बेटी हो उस घर में बेटी का इज्जत रहे। बेटी किसी भी शक्ल में हो सकती है, बहन का बेटी की शक्ल में, माँ के शक्ल में, बहू की। करीब करीब हम लोग 2015 में ऐसे सोशल काम करते करते लोगों से जुड़ते जुड़ते मन में आया कि कहें नहीं एक सोसाइटी बनाया जाए। हालांकि हर महीना कुछ न कुछ, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 60,000 जेब से निकलते चले जा रहे हैं। तो हम सोचा कि कहें नहीं एक व्यक्ति शक्ल दिया जाए और इस शक्ल के जरिए लोगों से जुड़ा जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं उससे हमको अनुपात भी बढ़े और उसका काम भी हो। यही सोचते सोचते हम लोग एक बहुत निश्चित बनाया जिसको रजिस्ट्रेशन भी हुआ, जिसमें हम लोग हर साल होते हैं ऑपरेशन चेकअप डॉक्टर इसके साथ साथ एक एम्बुलेंस भी दिए जिसमें रात की रात नहीं भी जाना पड़ता है तो ड्राइवर नहीं रहता है तो हम ही जाते हैं। और ये चीज़ हम लोग इसके साथ साथ अभी हम लोग एक वेंटिलेटर जो हम लोग अभी कायम किया है, वेंटिलेटर की अब तो जरूरत तो नहीं है, अभी भी हम लोग पास को सिलेंडर मंगवाए हैं जिससे और उसके बाद में हम लोग और भी दिए हैं जिसको जनाजा रखते हैं ना उसके लिए जो हम लोग फ्रिज है वो मंगवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ नहीं लेना है, जिनको ले लिया। और हम लोग जो है ये दो एक बार अभियान के लिए जोरदार तालियों की संभाल करें, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। तालियां गिरमिट की है, वो गिरमिट से आकर समरीन कहाँ की है? कुमर बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियों से संभाल करें तालियां। नेहा परवीन की एक बार जोरदार तालियों से फिर सम्मान करें। लक्ष्मी जी को एक बार जोरदार तालियों से फिर सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान आप करें। सभा गुलनाथ के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। फरजाना खातून को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान करें।
राखी कुमारी ममिता दीदी मेडल देकर और सर्टिफिकेट देकर हाँ लेडी सर इसलिए हाँ ये बात का सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। एक बार तालियों से मेडल और सर्टिफिकेट को दे एक बार दो हजार तालियों से सम्मान करें। रूबी साधु दे रही है शाहिद परवीन एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। सोनाली चौधरी गजाला परवीन मेहंदी में रिपोर्ट की बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां। तालियों का इस्तेमाल करते हैं जो गजाला परवीन आज का मतलब जो बच्चा 3 महीने का ये ब्राइडल एचडी मेकअप क्लास हुआ था उसी का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या क्या क्लासेस सिर्फ मेकअप का एचडी का ही है 3 महीने कितने 11 ये 3 मंथ का कोर्स है एचडी का। ये क्लास है यहाँ नियामतपुर रोशन एजुकेशन में चलता है और यहाँ जो क्लास करवाती है उनका नाम आशा मैम है वो करवाती है। आशा इधर आ जाइए। ये संस्था तो काफी दिनों से चल रही है 20-22 साल से चल रही है। मैं नाम सुल्ताना बेगम मैं यहाँ की सेक्रेटरी चलाती हूँ। आप यहाँ किस चीज़ से क्लास कर रही हैं? जी नर्सिंग का और मेहंदी और ब्राइडल मेकअप का। नर्सिंग का क्लास कितने महीने का है? नर्सिंग का 18 महीने का कोर्स है अभी पूरा 1 साल हुआ है 8 महीना ही बाकी है। टीचर है वो बढ़िया सिखाते हैं? जी बहुत अच्छे। और क्या सीखे हैं? और मेहंदी और ब्राइडल मेकअप। आपका नाम? सुजाता केसरी। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलनाथ सबा। क्या कार्यक्रम था? क्या कार्यक्रम था? जी आज सर्टिफिकेट देना था मतलब रोशन एजुकेशन में हम लोग एडमिशन लिए थे एचडी का क्लास किए थे मतलब 2 महीने का ये आपका 3 महीने का कोर्स था ठीक है जिसमें 12 क्लास होता है और ये जो कोर्स है इसमें आपका 10,000 लगता है बाहर का कंप्लीट करने में। यहाँ रोशन एजुकेशन में आपका सुल्ताना मैम जो हम लोगों को 3,000 में कंप्लीट करा दी थी कोर्स आज उसी का मतलब सर्टिफिकेट जी ब्राइडल मेकअप है एचडी का जो हाई लेवल का होता है तो जी कंप्लीट हो गया है आज सर्टिफिकेट मिला जी बस इस लाइन में आगे बढ़ना है। और जब हम बेसिक करते थे यहीं से रोशन एजुकेशन से ही हम बेसिक किए हैं बेसिक करने के साथ साथ मैंने इस काम को भी स्टार्ट किया ठीक है। और जब मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी तभी 2 दुल्हन सजा चुकी थी आंटी ने देखा भी था और इस लाइन में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आंटी कोऑपरेट करती है और इसमें सच में एक आगे बढ़ने का बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि मैं ना 8 साल मैं जॉब की हूँ मगर इतना तरक्की नहीं मिला जितना कि ब्यूटिशियन लाइन में मिला है। पहले हम लोग पर डे में 500 रुपये पर डे का इनकम था मतलब जॉब में मगर यहाँ पे ऐसा है कि अगर 2 पार्टी मेकअप करने के लिए भी जाते हैं ना तो फुल पार्टी मेकअप का 1,000 रुपये मिलता है ठीक।
ठीक है, तो इसमें अगर 5 भी कर लेते हैं तो 5,000 आराम से एक दिन में आदमी कमा सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और आंटी बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्ट करती है, मतलब हर कोई का सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जन का, सबका सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉपरेट करती है वो। शिखा था पता एच डी ब्राइडल मेकअप। आज क्या सर्टिफिकेट मिला? हाँ, आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट था। कितने दिन का क्लास था ये? 3 मंथ का। सीखने के लिए क्या करना है? नहीं समझ में आ, यहाँ पे सीखने के बाद मुझे भी शौक है कि मैं आंटी के द्वारा सबको सिखाऊं, और मेरे पास जो हुनर आंटी ने दिए मैं भी सबको दूँ। आप एक लड़की है तो लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक लड़की हूँ और मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, मेरे पापा भी सपोर्ट करते हैं, तो अगर कोई मम्मी पापा अपना बेटी को सपोर्ट करता है तो वो बहुत आगे जाता है। तो मेरा मानना ये है कि उसको अगर कुछ भी करना है तो पहले अपने पेरेंट्स से पूछे, देन वो कर सकता है। হ্যাঁ, আমি চাইছি যাতে আমি যেরকম আমার মেয়েকে সাপোর্ট করছি বাইরে বেরোবার জন্য, সেরকম যেন সবার মা যেন সবার মেয়েকে যেন সাপোর্ট করে বাইরে বেরোয় বা নিজের পায়ে দাঁড়াবার সাহায্য করে, এটাই আমি বলবো। যাতে কারো গার্জিয়ান মা বাবা যেন কোনো সন্তানকে এতটাও যেন ই না করে যে সে নিজের পায়ে যেন দাঁড়াতে না পারে, মানে বেশি সাপোর্ট করা যেন গার্জিয়ানদের এটাই কর্তব্য, যাতে মারা মেয়েদেরকে সাপোর্ট করে। অনেকের মা আছে যে মেয়েদেরকে বাইরে যেতে দেয় না বা বাইরে মেলামেশা করতে দেয় না কারোর সাথে, যে আমার মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে, মানে এরকম সোচ যেন না রাখে। আজকাল ছেলে মেয়ে সবাইকে সমানভাবে দেখতে হয়, ছেলেরা যেরকম করছে যে ছেলেরা বাইরে বেরোলে মারা কিছুই বলে না, গার্জিয়ানরা বলে না এত রাত্রে তোরা কোথায় ছিলি বা এতক্ষণ কোথায় ছিলি, কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না। কিন্তু একটা মেয়ে বাইরে 8টার পরে যদি বাইরে বেরোয় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে হ্যাঁ তুই এত রাত্রে কোথায় ছিলি, কেন গেছিলি, যেন এরকম যেন প্রশ্ন না করা হয়। মা হয়ে যদি মেয়েকে সাপোর্ট না করতে পারে তাহলে বাইরের কেউ সাপোর্ট করবে না। আমি কি জেনে আমি সাপোর্ট করছি যে আগে বাড়ুক, এরকম করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আরও 5 জনের মেয়েদেরকে বা তার মাদের গার্জিয়ানদেরকেও আমি বলবো যা তারা মারাও যেন তাদের মেয়েদেরকে এরকম করেই সাপোর্ট করে। हम एचडी ब्राइडल क्लास करते हैं जी। आज कंप्लीट हो गया, आज सर्टिफिकेट मिला। हम सीतारामपुर से, नियामतपुर रोशन एजुकेशन सोसाइटी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया सिखाया गया। कोई शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। आगे क्या करना है? आगे बस पार्लर खोलना है। सेल्फ डिपेंड बने, हर टाइम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहे या शादी के बाद हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना रहे, जब भी कुछ करना है खुद सेल्फ डिपेंड बने, खुद काम करे और खुद डिपेंड रहे, हर डिपेंड ना रहे। एसडी क्लास के मेकअप, यहाँ एसडी क्लास मेकअप का हुआ है। आज मेकअप आर्टिस्ट बनना है। यही बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स लोग को ये सब कोर्स करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बस आपका नाम? मेरा नाम फरनास का।